भोरन से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी एवं राज्य महिला आयोग सदस्य प्रोमिला देवी ने भाजपा की रथ यात्रा और जनसंपर्क अभियान पर तीखी टिप्पणी की है। प्रोमिला देवी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि भाजपा के रथ यात्रा के लिए गाड़ियों का खर्च कहां से आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा कालेधन को वाइट करने के लिए इस तरह रथ यात्रा में कालेधन को खर्च कर रही है। कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी प्रोमिला देवी ने भाजपा की रथ यात्रा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यदि भाजपा द्वारा रथ यात्रा पर खर्च होने वाले पैसे को लोगों की सुविधा के लिए खर्च किया जाता तो लोगों की समस्याएं हल होनी थी और क्षेत्र का विकास होना था, लेकिन भाजपा ने हमेशा भोरंस की जनता को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिखावे की राजनीति कर रही है और सत्ता की चाह में इस तरह की यात्राएं निकाल कर ड्रामा कर रही है। जनसंपर्क अभियान जो है वो किसी भी राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी कर सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि ये जो रथ यात्रा के लिए जीप या ट्रले जो इन्होंने निकाले हुए हैं, इसके लिए धन कहां से आया। और लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े इन्होंने मोदी के पोस्टर या बैनर चिपकाए हुए हैं या फोटो लगाए हुए हैं, क्या इसके ऊपर पैसा नहीं लग रहा है? पैसा किसका है? जनता का पैसा है। तो इनको दिखा के क्या गरीब आदमी को रोटी मिल जाएगी? क्या कोई अमीर है तो उसकी समस्या का हल हो जाएगा? उसकी गरीब या अमीर की ना समस्या का हल होगा। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये पैसा, ये टोटली जहां तक वाइट मनी की बात कर रहे हैं, ये पैसा ब्लैक का है इनके पास, तभी ये जीप और ट्रले जो हैं वो घूमे हुए हैं। अदरवाइज तेल की कीमतें कितनी है, पिक्चर इन्होंने बनाई हुई है, पेंटिंग की हुई है, उसके लिए तो खर्च हो रहा है। ये बहुत अपमानजनक बात है। हिमाचल प्रदेश हो या कोई और स्टेट हो, इसकी मैं निंदा करती हूँ कड़े शब्दों में। ये गलत है और ये ड्रामेबाजी है टोटल। इसी ही पैसे को यदि जनता में लगाया जाए तो जनता का विकास हो सकता है। इसी पैसे से कोई पानी की स्कीम हो सकती है जिससे पानी की लोगों की समस्या का समाधान हो। ये जो ट्रालों और जीपों में ये मशहूरी के लिए पैसा लग रहा है, इस ट्राले से, इन जीपों से सड़क बन सकती है कोई, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखावे की राजनीति के ऊपर उतारू हो गई है और सत्ता की भूख के पीछे लगी हुई है। तो सत्ता की भूख करना को बुरी बात नहीं है, मगर बेहाथा सत्ता के, बिना काम किए सत्ता की भूख वो कर रहे हैं। मैं नहीं इस चीज को उचित समझ रही हूँ।